सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले 2022 में आपके लिए ब्लॉगर सही है या नहीं, आप इसे पैसे कमा सकते हो या नहीं कमा सकते, सारी डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही अगर ब्लॉगर आप शुरू करना चाहते हो, ब्लॉग से आप पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको कैसे ब्लॉग को शुरू करना है, कैसे आपको पैसे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कि कोई भी नहीं बताता जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपको टॉपिक कहाँ से लाना है। सबसे पहले अगर आप ब्लॉग शुरू करते हो तो वहाँ पर आपको टॉपिक कहाँ से लाना है, जल्द से जल्द आपको टॉपिक कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ ही 3 या 4 महीने में आपकी इनकम स्टार्ट हो सकती है और 5वें महीने में आपकी इनकम आपके बैंक में आ सकती है, इस तरीके से प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। तो इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और साथ ही उनसे आपको कैसे निपटना है, उन पर कैसे काम करना है, इसके बारे में डिटेल में जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको प्रूफ दिखाने के लिए आप दे सकते हो, मैंने एक वेबसाइट यहाँ से ओपन कर ली है जो कि मेरी एक दोस्त की वेबसाइट है, उस पर मैंने उसको काम करने के लिए बोला था और सिर्फ 2 महीने के अंदर उसकी इनकम यहाँ पर $100+ हो चुकी है। उसके बाद 3रे महीने में उसकी इनकम यहाँ पर उसके बैंक अकाउंट पर आने वाली है, उसका प्रूफ भी मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ। उसके लिए जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि आप किस नीच पर आपको यहाँ पर ब्लॉग बनाना है। सबसे पहले आपको नीच यहाँ पर सोच लेनी है कि कौन सी नीच आपको चाहिए, आप उस पर कंटेंट लिख सकते हो, कुछ भी लिख कर आप यहाँ से व्यूज ला सकते हो। तो सबसे पहले नीच आपको यहाँ पर तय करनी है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ब्लॉगिंग के लिए आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे कि हमें किस पर यहाँ पर ब्लॉग शुरू करना चाहिए, जिस पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे और हम यहाँ से पैसे कमा सकते हो। तो सबसे पहले आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना, आगे आपको पैसे मिलने ही वाले हैं। किसी भी न्यूज़ पर आप यहाँ पर ब्लॉग बनाते हो, व्यूज़ आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक तो मिलते ही है और उसके पैसे आपको यहाँ पर मिलते ही है। तो आपको पैसे की बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो सबसे पहले अच्छे से आपको नीच यहाँ पर डिफाइन करनी है। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि हम यहाँ से 2022 चल रहा है और इस पर हम अभी ब्लॉग स्टार्ट करके पैसे कमा सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो, उसका प्रूफ मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो साइट है, यहाँ से मैं आपको फिर से एक बार ईमेल मुझे ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से देख सकते हो, मुझे यहाँ से 1 महीने पहले यहाँ पर एक ईमेल रिसीव हुआ था कि आपकी साइट यहाँ से मोनेटाइजेशन के लिए, यहाँ से आप देख सकते हो hindijobs.in कुछ इस तरीके से साइट आप यहाँ से देख सकते हो, उसको अप्रूवल मिल चुका है 1 महीने पहले और उसकी इनकम सिर्फ 1.5 महीने में $100+ हो चुकी है और उसकी इनकम यहाँ से लगातार बढ़ती जा रही है। तो आप यहाँ पर 2022 में ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हो तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ से पैसे कमा सकते हो और ब्लॉग बनाकर अच्छे से पैसे इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो आपका ये सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाता है कि आपको ब्लॉग शुरू करना चाहिए या नहीं। तो बिल्कुल शुरू करना चाहिए, अभी भी आपके पास टाइम है। सारी मैं प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ब्लॉग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो जरूर आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। अभी फिलहाल मेरे 5 या 6 ब्लॉग है, उनकी मैं इनकम यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं आपको वीडियो में नहीं तो दूसरे वीडियो में आपको बताऊँगा कि उनकी इनकम कितनी होती है और ब्लॉग पर हमें कितना पैसा मिलता है। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि ब्लॉग के बारे में कैसे आपको स्टार्ट करना है। तो 2022 में बिल्कुल आप ब्लॉग शुरू करके पैसे कमा सकते हो, ये सवाल आपको यहाँ पर आपके मन में हटा देना है कि आप ऐसे इनकम नहीं कर सकते। तो उसका प्रूफ तो मैंने आपको दिखा दिया है। तो सबसे पहले मैं एडसेंस का अकाउंट लॉगिन करके उसकी डेली की इनकम दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर उसकी इनकम आप देख सकते हो, कल की इनकम यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से कितनी इनकम हो चुकी है और इसका बैलेंस आप देख सकते हो $202 यहाँ पर हो चुका है। उसके बावजूद इस मंथ की इनकम आप यहाँ से देख सकते हो 139 इस मंथ की इनकम है। कल की आप देख सकते हो, लास्ट 7 डेज की आप देख सकते हो, उसका प्रूफ भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो इसमें आप यहाँ से प्रूफ देख सकते हो, सिर्फ 3 या 4 मंथ हो चुके हैं इस वेबसाइट पर काम कर और इसकी इनकम यहाँ से जनरेट होना शुरू हो चुका है। तो इस साइड की ब्लॉग की इनकम आपने देख ही ली है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं कि कैसे आपको काम करना है। तो सबसे पहले बात आपके यहाँ पर सबसे नंबर 1 पर पॉइंट आता है, आपको नीच डिफाइन करनी है। व्यूज कैसे लानी है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ, कुछ भी बात डरने की नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूँ उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और आपकी भी इनकम इसी तरीके से आनी चालू हो जाएगी। तो सबसे पहले नीच डिफाइन करनी है, नीच डिफाइन करने के बाद आपको यहाँ पर ब्लॉग स्टार्ट करना है।
तो अब बात करते हैं कि ब्लॉग हमें कैसे स्टार्ट करना है, कैसे हमें काम करना है, तो उसके बारे में भी मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जैसे कि आप मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, जो भी लाते हैं उसको भी क्लिक कर लेना है, क्योंकि ब्लॉगिंग से रिलेटेड सारे के सारे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलने वाले जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर आपने नीच डिपेंड कर ली है कि किस पर हमें ब्लॉग बनाना है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपने नीच डिपेंड कर ली है, तो आपको ब्लॉग कैसे स्टार्ट करना है, कैसे शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पर आपको आना है मैंने ब्लॉग पर, या आप देख सकते हो यहाँ पर 2022 का फुल कोर्स या से आप देख सकते हो यहाँ पर जो 10 दिन हो चुके हैं, एक वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है हमारे चैनल पर, यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लॉगिंग कोर्स 2022 आप यहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, इस पर जो वॉइस है ऑडियो है थोड़ा सा यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा, लेकिन जो मैंने बताया है सारी डिटेल में जानकर आपको बताइए कि कैसे आपको आपको ब्लॉग क्रिएट करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, उसके बाद अगर आप कस्टम डोमेन लिंक करना चाहते हो तो उसे आपको कैसे लिंक करना है, उसके बाद आपको जो भी थीम आपको इंस्टॉल करनी है, जैसे कि अदरवाइज कोई भी थीम आप इंस्टॉल करते हो तो एडसेंस फ्रेंडली अगर थीम नहीं होती तो आपका जो ब्लॉग है अप्रूवल लेते समय, एडसेंस का अप्रूवल लेते समय कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो आपको यहाँ पर आपकी जो थीम है एडसेंस फ्रेंडली थीम कैसे आपको इंस्टॉल करनी है, कैसे आपको ढूंढनी है, कौन सी वेबसाइट है, तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। और साथ ही ये सारी कंप्लीट होने के बाद आपको आपका ब्लॉग सर्च कंसोल पर कैसे ऐड करना है, गूगल सर्च कंसोल पर कैसे ऐड करना है, आपकी साइट कैसे रैंक करेगी, ये सारी डिटेल में जानकारी सिर्फ एक आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक घंटे का कोर्स है उस पर मैंने सारी डिटेल में जानकारी आपको बताई है। उसके बाद अदर कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आप ऐसे कोई भी डोमेन नेम लिंक करना चाहते हो आपके ब्लॉग को, तो आप देख सकते हो डोमेन नेम कैसे आपको बाय करना है, कैसे लिंक करना है, इस सारे के सारे वीडियो के लिंक आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली जाकर देख सकते हो कैसे आपको इन्हें लिंक करना है, कैसे बाय करना है, सारी प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। और सारे लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो, सारे के सारे 2022 के वीडियो है जिसमें आप सीख सकते हो कैसे प्रोसेस है और आप यहाँ से ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका दूसरा भी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो चुका है, तो सबसे पहले आप यहाँ से ब्लॉग शुरू करना चाहिए या नहीं, तो आपका आंसर है हाँ। और ब्लॉग शुरू करने के लिए आपको कैसे शुरुआत करनी है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कोर्स देख लेना है, सारी डिटेल में जानकारी समझ में आ जाएगी। दूसरा भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है, नीच भी आपने डिफाइन कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा प्रॉब्लम आपको आ जाता है। हमने जब भी ब्लॉग शुरू किया है तो हम ब्लॉग शुरू करने के बाद हमें कब या से मोनेटाइज करना चाहिए, कब गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेना चाहिए, तो कम से कम आपको यहाँ पर 15 से ऊपर पोस्ट लिखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ से 25 पोस्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस को आपको अप्लाई करना है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, आपको अप्रूवल लेने के लिए अप्लाई करना है। तो ऐसे कोई भी निच आप डिफाइन कर सकते हो जिस पर आप ऐसे 15 से ज़्यादा पोस्ट लिख सकते हो, जैसे 15 से ज़्यादा पोस्ट लिख लेते हो तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली आपको सबसे पहले कुछ प्रोसेस करनी पड़ती है, जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल पर आपको अपनी साइट ऐड करनी पड़ती है, वो कोर्स पर मैंने वो भी बताया है कि कैसे साइट ऐड करनी है, वो भी वहाँ से आप सीख सकते हो। उसके बाद साइट ऐड करने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, कुछ पेजेस आपको बनाने पड़ते हैं, जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, इस तरीके से पेजेस आपको बना लेने, ये चार पेजेस इंपॉर्टेंट है। तो ये चार पेजेस बनाने के बाद और उसके बाद एक अच्छी सी आपको यहाँ पर थीम लगानी है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल पर ऐड करनी है, उसके बाद दूसरी भी एक सेटिंग करनी पड़ती है, जैसे कि आप देख सकते हो सेटिंग आपको ओपन करनी पड़ती है ब्लॉग पर आने के बाद, और आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी पड़ती है गूगल एडसेंस को अप्लाई करने से पहले, कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको आपके ब्लॉग पर करनी पड़ती है, तभी आपको यहाँ पर गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलता है। तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है कि मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी चाहिए, तो वो वीडियो आपको देख लेना है मोनेटाइजेशन करने से पहले, तो अप्लाई करने से पहले वो सेटिंग आपको कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर 24 आवर्स के अंदर आपको यहाँ पर आपका ब्लॉग मोनेटाइज करके आपको मिल जाएगा। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आने के बाद आप कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको देने की जरूर कोशिश करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि आपने नीच भी डिपेंड कर लिया है, आपने पोस्ट भी लिख लिया है, तो पोस्ट लिखने के बाद दूसरी प्रोसेस आ जाती है कि हमारे पोस्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर जो पेजेस है ऐड करनी है, कैसे पेजेस आपको ऐड करनी है कोर्स पर आपको यहाँ पर मैंने सिखाया है, तो आप यहाँ से वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो उसके बाद दूसरी प्रोसेस यहाँ पर आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने से पहले, सबसे पहले कुछ भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के लिंक आपको यहाँ पर सोशल मीडिया प्लगिंग पर आपको यहाँ पर लगा देनी, तो इन्हें कैसे लगाना है उस कोर्स पर मैंने बताया है, तो आप वहाँ से वो सीख सकते हो।
तो दूसरी बात है, यहाँ पर जो भी टेम्पलेट आप यूज़ करते हो तो एडसेंस फ्रेंडली होना चाहिए। तो टेम्पलेट थीम कैसे आपको डाउनलोड करनी है फ्री में, तो वो भी मैंने कोर्स पर बताया, तो चाहो तो आप वहाँ से सीख सकते हो। तो सारी कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आपके यहाँ पर एडसेंस पर आपको आना है, जैसे कि अर्निंग इस पर जाना है। तो अभी फिलहाल ये जो ब्लॉग है यहाँ पर पहले से ही मोनेटाइज है, तो सबसे पहले अर्निंग पर जाना है और आपको यहाँ पर एडसेंस के लिए अप्लाई कर देना है, मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। तो अब स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, जैसे कि हमारा ब्लॉग रेडी हो चुका है, सारे पोस्ट भी हमने लिख लिए, तो उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है यहाँ से अर्निंग इस पर जाकर। उस पर भी मैंने वीडियो बना कर रखा है, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चाहो तो वहाँ से जाकर देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। तो ब्लॉग मोनेटाइजेशन होने के बाद आप देख सकते हो, जैसे कि हमारा अप्रूवल यहाँ से एक्सेप्ट किया गया है, उसके बाद हमारा ब्लॉग मोनेटाइज हो चुका है। तो हमें यहाँ से हमारे ब्लॉग पर कुछ इस तरीके से लिंक ऐड करनी है, जैसे कि आप देख सकते हो ऐड लगाने हैं। जैसे कि इस पर मैं बात करूँ तो नीचे आने के बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऐड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर भी ऐड आपको दिखाई देगी, नीचे आने के बाद यहाँ से भी ऐड आप देख सकते हो, तो यहाँ पर भी एक ऐड है, यहाँ पर ऐड है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। नीचे अगर हम आते हैं तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर एक ऐड है, उसके बाद यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर भी एक ऐड है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐड हमने लगा कर रखे। तो इस तरीके से ऐड आपको कैसे लगाने हैं आपके ब्लॉग पर मोनेटाइज होने के बाद, तो इस तरीके से ऐड भी आप लगा सकते हो। उस पर भी मैंने वीडियो बना कर रखा है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस तरीके से ऐड लगाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चाहो तो आप देख सकते हो और सीख सकते हो। तो लगभग हमारी सारी प्रोसेस हो चुकी है, हमारा ब्लॉग भी यहाँ से क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हमने यहाँ से मोनेटाइजेशन के लिए भी अप्लाई किया है, अप्रूवल भी मिल चुका है। तो ऐड लगाने की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हो। तो अब बात करते हैं हमारे ब्लॉग पर ट्रॉफिक कहाँ से आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफिक आपको हमें यहाँ से कहाँ से मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इसे आप मोनेटाइजेशन करने से पहले भी यूज़ कर सकते हो, मोनेटाइज करने के बाद भी यूज़ कर सकते हो और यूज़ लेकर पैसे कमा सकते हो। तो बहुत ही अच्छी और बढ़िया ट्रिक है, आपको इसे ज़रूर यूज़ करना है। और जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, इस जो अभी चल रहा है 2022, इसमें 100% वर्क करती है, वहाँ से आपको 100% या से व्यूज़ आएंगे। तो कौन सी ट्रिक है, तो उसके लिए मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इस वेबसाइट की सारी जो ट्रॉफिक आती है, सारा का सारा ट्रॉफिक आता है, तो सारा का सारा व्हाट्सअप के माध्यम से आता है। व्हाट्सअप के माध्यम से कहाँ से आता है, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो इस साइट का नाम देख सकते हो, indiejob.in। जैसे कि आपको पता चला होगा कि यहाँ से जो साइट है, यहाँ पर जॉब से रिलेटेड आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है इस साइट पर। तो आपको इसी तरीके से व्हाट्सएप के ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, बहुत सारे ग्रुप्स आपको क्रिएट कर लेने हैं और उनकी लिंक आपको दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करनी है। तो सबसे पहले बात आपके यहाँ पर दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप कहाँ से मिलेंगे, आपको कहाँ से ज्वाइन करना है और आपकी लिंक वहाँ पर कैसे शेयर करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, गूगल प्ले स्टोर पर आकर आपको यहाँ पर कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर वहाँ से भी अनलिमिटेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो गूगल क्रोम पर आना है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक कुछ इस तरीके से सर्च करना है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ से इस पोस्ट को अगर आप ओपन करते हो तो 1000+ आपको यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिल जाएंगे। तो जैसे कि मैं ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ से डायरेक्टली नीचे आने के बाद इतने सारे ग्रुप्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। सिंपल से आपको यहाँ पर क्लिक है, इस पर क्लिक करना है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते जाना है। अनलिमिटेड ग्रुप आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे ग्रुप्स लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ से आप मार्केटिंग के लिए आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ से मार्केटिंग कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके यहाँ पर मिल जाती है यहाँ से ट्रॉफिक लाने के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता रहा हूँ ये जो वेबसाइट है जो मेरी दोस्त की है, तो उस पर सारा का सारा ट्रॉफिक व्हाट्सएप के माध्यम से आता है, सारी इनकम वहाँ से होती है। और जो इनकम है सिर्फ 3 महीने के अंदर हमारे $100 कंप्लीट हो चुके हैं। और इतनी जल्दी आपको यहाँ पर किसी भी ब्लॉग पर इनकम नहीं होती है, सबसे पहले आपको ग्रो होने में कम से कम 7 या 8 महीने लग जाते हैं, कभी कभी तो 1-2 साल भी लग जाते हैं, तब हमारी कहीं यहाँ पर $100 की इनकम होती है। तो जो मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको जो भी आप साइट क्रिएट करते हो, जिस भी नीच पर आप यहाँ पर साइट क्रिएट करना चाहते हो, ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो, उसके व्हाट्सएप ग्रुप आपको यहाँ पर बना लेने हैं। उसके बाद उन पर आपको मेंबर ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से कुछ भी आपको यहाँ पर ग्रुप ज्वाइन करते जाना है, उस पर आपकी पोस्ट शेयर करते जाना है। पोस्ट शेयर करते समय आपको अपने ग्रुप की लिंक भी आपको वहाँ पर शेयर करते जाना है। तो दूसरे भी व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको बहुत सारे नीचे मिल जाएंगे, जैसे कि मैं इसे ओपन करता हूँ तो इस पर भी मुझे बहुत सारे ग्रुप के लिंक मिल जाएंगे, तो इसे भी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। जैसे कि नीचे आने के बाद आप यहाँ से देख सकते हो यहाँ से कितने सारे मुझे यहाँ पर ग्रुप्स लिंक मिल चुके हैं, तो यहाँ से मैं इन्हें भी ज्वाइन कर सकता हूँ और उन्हें ज्वाइन कर हम यहाँ से हमारी पोस्ट इन ग्रुप पर भी शेयर कर सकते हो और साथ ही हमारे जो ग्रुप
हमने हमारे खुद के जो ग्रुप बनाए हैं उस पर भी हमें यहाँ से शेयर करनी है। तो सबसे पहले ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं और आपके ग्रुप की लिंक भी आपको दूसरे के व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शेयर करनी है। उसके बाद शेयर करते समय आपके ग्रुप्स के मेंबर बढ़ेंगे, उसके बाद आपके पोस्ट पर व्यूज आना चालू हो जाएंगे। तो 100% काम करने वाला तरीका मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, उस पर पोस्ट आपकी शेयर कर सकते हो। 100% आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। सबसे पहले आपको मेहनत करनी जरूरी है। आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर 500,000 ग्रुप ज्वाइन कर लेनी है। आपका अकाउंट बैन हो सकता है, उसके लिए आपको सिर्फ 10-20 ग्रुप ऐसे ज्वाइन करने हैं डेली के। एक साथ आपको ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले 10-20 ग्रुप ज्वाइन करते जाना है। इसी तरीके से काम करते जाना है, महीना भर में आपके बहुत सारे ग्रुप यहाँ से ज्वाइन हो जाएंगे। उसके बाद आपको आपके खुद के ग्रुप क्रिएट करने हैं। ग्रुप क्रिएट करने के बाद उन पर आपको पोस्ट शेयर करते जाना है और आपको यहाँ पर डेली का डेली टॉपिक आएगा। अगर आप पोस्ट लिखते हो और उस पर शेयर करते हो तो डेली का डेली टॉपिक आपको यहाँ से आता रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपका सॉल्व हो चुका होगा कि हमें यहाँ से टॉपिक कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पर पोस्ट कहाँ पर शेयर करनी है और हमारे ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ कैसे आएंगे। दूसरे भी बहुत तरीके हैं तो उन पर आपको कैसे काम करना है और उनसे आपको कैसे व्यूज़ लेने, तो उसकी वीडियो की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहाँ से आप देख सकते हो, जाकर यहाँ से वो वीडियो देख सकते हो और सीख सकते हो आपके ब्लॉग पर ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कैसे ला सकते हो, कैसे व्यूज़ बढ़ा सकते हो। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो। तो फाइनली सारी प्रोसेस हो चुकी है, ब्लॉग भी क्रिएट हो चुका है। हमने यहाँ से जो न्यू ब्लॉगिंग शुरू की है, जैसे कि आपने अगर ब्लॉग शुरू किया तो सबसे पहले पोस्ट लिख लिए, उसके बाद टेम्पलेट पिन कैसे आपको लगाने हैं, डोमेन नेम कैसे लिंक करना है, सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जितना भी मटेरियल चाहिए सारा का सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डोमेन नेम आपको यहाँ पर कम कीमत में आपको अच्छा डोमेन नेम परचेज करना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 15% का ऑफ आपको मिलेगा, चाहो तो वहाँ से आप डोमेन नेम परचेज कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पर एक ही बात करनी पड़ेगी, सिर्फ आपको अपने ब्लॉग पर पोस्ट लिखते जाना है, शेयर करते जाना है और व्यूज आने के बाद आपके यहाँ पर पैसे मिलते जाएंगे। तो इस तरीके से सिंपल से प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और 2022 में ब्लॉगिंग सक्सेसफुली होती है। सक्सेसफुल आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला, 100% आप ब्लॉगिंग पर आ सकते हो और पार्ट टाइम में आप अच्छा ऐसे पैसा कमा सकते हो। सबसे पहले आपको पार्ट टाइम में शुरू करनी है, उसके बाद आप इसे फुल टाइम भी कर सकते हो। 100% अभी भी ब्लॉगिंग या से आप ब्लॉगिंग से पैसे कमा सकते हो, अच्छा पैसा आप ऐसे कमा सकते हो। ये सिर्फ 4 महीने की इनकम मैंने आपको सबसे पहले बताई है। तो दूसरे जो ब्लॉग है, मेरा जो ब्लॉग वेबसाइट है, तो उनकी इनकम बहुत सारी होती है, तो उसका प्रूफ भी अगर आप कमेंट करते हो तो उसका प्रूफ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो बाकी जो छोटे छोटे पार्ट है, अगर आपका ब्लॉग मोनेटाइज हो जाता है तो एडसेंस के लिए आपको पिन वेरिफिकेशन कैसे करना है उस पर भी मैंने वीडियो बना करके हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो एक एक आप ऐसे देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो एडसेंस पर आपको आइडेंटिटी पिन वेरिफिकेशन कैसे करना है उस पर भी वीडियो है। उसके बाद लोगो कैसे चेंज करना है, आपको कैसे आपके यहाँ पर गूगल सर्च कंसोल पर आपको अपनी साइट पर ऐड करनी है उस पर भी मैंने वीडियो बना कर रखा है। तो चाहो तो आप ऐसे देख सकते हो, पुश नोटिफिकेशन यानी कि जो ब्लॉग होता है उस पर पुश नोटिफिकेशन कुछ इस तरीके से सेंड की जाती है, तो इसे कैसे आपको सेट करना है उस पर भी मैंने बताया है। तो उसके बाद कोर्स इनकम कितनी होती है, तो इस तरीके से सारी डिटेल में वीडियो मैंने बना कर रखे। तो जरूर आपको इस चैनल पर इस तरीके से वीडियो मिलते रहेंगे। तो जरूर आपको हिंदी ब्लॉगिंग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही जो बेल आइकन होती है उसको भी क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन इस पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो चलिए जाइए जल्दी से ब्लॉगिंग स्टार्ट किए कर लीजिए। पार्ट टाइम में आपको सबसे पहले शुरुआत करनी है, सारे प्रोसेस मैंने आपको इस वीडियो में बताई है कि आपको कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या आपके पास होना जरूरी है, कैसे आपको नीच डिफाइन करनी है, उसके बाद कैसे ट्रैफिक लाना है, उसके बाद कैसे काम करना है, कैसे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या आपके पास होना जरूरी है, कब क्या करना है, सारा कोर्स पर आपको डिटेल में जानकारी मैंने आपको बताई है। तो जरूर कोर्स एक बार देख लीजिए। उसके बाद वहाँ पर आइडियो की थोड़ी सी आपको यहाँ पर आइडियो का प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन मैंने जो ट्यूटोरियल आपको बनाकर दिया है वहाँ पर सारा डिटेल में बताया है कि कैसे आपको सेटिंग करनी है, कैसे आपको वहाँ पर काम करना है। थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम है कोर्स पर, क्योंकि माइक खराब हो चुका था तो तब थोड़ा सा ऑडियो का प्रॉब्लम आपको आ सकता है, लेकिन बारीकी से आपको मैंने वापस समझाया है तो जरूर आपको उस कोर्स को ज्वाइन होना है। तो चलिए फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, बस करते हैं। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।